कुछ मैंने छात्रों को भी देखा, इसलिए मेरी चिंता बढ़ गई कि जो पढ़े लिखे छात्र हैं वो भी ऐसा लिख रहे हैं कि अम्बेडकर ने सिर्फ संविधान बनाया तो नहीं, ऐसा उन्हें अगर कर रहे हैं तो उसके कोई और कारण होंगे, वो सत्य से सत्य नहीं है। अच्छा ऐसा हुआ था, भाई साहब इनने मेरी आंखें खोल दी यार, मैं तो पता नहीं क्या सोच के बैठा था आज तक। आजकल सोशल मीडिया पर एक चीज की खूब चर्चा हो रही है और मुस्लिम मित्रों ने, दलित मित्रों ने फेसबुक पर अंबेडकर के बारे में लिखा। मैंने बहुत सारे लोगों के ऐसे पोस्ट देखे जिन्होंने लिखा है कि भारतीय संविधान को अंबेडकर ने बनाया। कि संविधान स्वयं कहता है ये संविधान और किसी ने नहीं बनाया है, भारत की समस्त जनता ने बनाया। क्या बात कर रहे हो, राजनीतिक लाभ लेने के लिए या जुमले के लिए लोग कह सकते हैं कि गांधी ने देश को आजाद कराया, अंबेडकर ने संविधान को लिखा। अच्छा प्रोफेसर बी एन राव भारत की संविधान सभा के लीगल एक्सपर्ट थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, और उन्होंने ये जो समितियां बनी इन समितियों के प्रतिवेदन के आधार पे उन्होंने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप प्रस्तुत किया। यहाँ तक अभी डॉक्टर अंबेडकर प्रकट नहीं हुए। क्या बात कर रहे हो। उसके बाद 29 अगस्त 1947 को भारत की संविधान सभा ने 7 सदस्यों का एक विशेष प्रारूप समिति का गठन किया। समिति में अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, आयंगर, अंबेडकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सलाउद्दीन, बी एल मित्तल और डी पी खैतान, और इसी समिति ने स्वयं अपने निर्णय से डॉक्टर बी आर अंबेडकर को उस प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना। जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया उसमें पूरे देश लोगों को कहा गया था कि आप अपने अपने प्रतिवेदन भेजिए कि आप इसमें क्या संशोधन चाहते हैं, और उनकी संख्या थी तो भी एग्जैक्ट 2473 संशोधन भेजे, अर्थात लगभग 2500 संशोधन भेजे। संविधान आज लोग कहते हैं ना अंबेडकर ने संविधान लिखा, जो एक गलत तथ्य भी है जैसा आपकी बातचीत से स्पष्ट हुआ। कुछ मैंने छात्रों को भी देखा, इसलिए मेरी चिंता बढ़ गई कि जो पढ़े लिखे छात्र हैं वो भी ऐसा लिख रहे हैं कि अंबेडकर ने सिर्फ संविधान बनाया तो ऐसा उन्हें अगर कर रहे हैं तो उसके कोई और कारण होंगे, वो सत्य से सत्य नहीं है। अच्छा ऐसा हुआ था, भाई साहब इनने मेरी आंखें खोल दी यार, मैं तो पता नहीं क्या सोच के बैठा था आज तक। सनी यार अपन को आ जाएगा एक्सपेरिमेंट करना है। नहीं लिखा इतिहास हमारा, पगलन की मत मारी थी बहन मेरी, झलकारी थी। ले आई क्या माइक्रोवेव? तो फाइनली जो है हमारे माइक्रोवेव की, क्या खुशी हो रही कि नहीं हो रही है? क्यों बहुत खुशी आ रही है यार। ऐसी सीधे सीधे उठा लो तो तुम्हारा काम हो गया, मतलब है कंगा रखा ही है सामने। एक आध करना, एक आध क्विंटल इसमें बढ़िया यार। फाइनली चालू हो गया है हमारा माइक्रोवेव, अब अच्छी सी मैगी बना दे यार। मैगी है ना थोड़ी चटपटी होनी चाहिए, थोड़ी तीखी होनी चाहिए और मजेदार होना चाहिए। चटपटी, तीखी और मजेदार। तो हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट है ना कुकिंग का, वो सनी है। मैंने हजारों सैकड़ों लोगों ने मिलकर बनाई है मैगी। कैसे हैं?
या तो मैं अकेला ही भैया कैसे हैं? आ आ बताऊं तेरे को, आजा। ये देख, ये दिख रहा है ये एक्वा वाले, इनके हजारों एम्प्लॉयज ने मिलकर बनाई है। उसके बाद ये मैगी जिसने बनाई है, इसके हजारों एम्प्लॉयज उनने मिलकर बनाई है। टाटा नमक, इसके जितने हजारों एम्प्लॉयज है ना, और इन सब के एम्प्लॉयज मिला के अगर लाखों नहीं हुए ना, तो सैमसंग के जितने एम्प्लॉयज हैं उन सब की मेहनत है। क्योंकि अगर वो लोग मेहनत नहीं करते तो ये माइक्रो ओवन नहीं बनता, ये माइक्रो ओवन नहीं बनता तो मैगी बनती क्या, ये बता मेरे को। भारी दुनिया भारी। जो मैंने मतलब बोला है ना, वो टेक्निकली तो सही है, उसी तरह से संविधान में जो जिस तरह से उस वीडियो में बताया गया है वो भी टेक्निकली सही है। फिर हमारे घर में जो हमारी वाइफ और मम्मियाँ हैं ना, ये लोग है ना ठेलों से सब्जी लेती हैं, वो नमक खरीद के लाती हैं, मसाले खरीद के लाती हैं, और आखिरी में पूरी मेहनत करके। और अगर घर पे मम्मी से अगर ये बोलोगे ना कि ये खाना आपने नहीं बनाया, ये एवरेस्ट वालों ने बनाया है, MDH वालों ने बनाया है, या फिर टाटा वालों ने बनाया है, तो खूब कुटाई होगी, ध्यान रखना। सिंपल सा एक एग्जाम्पल बता रहा था मैं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है संविधान भी तो बताते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कई देशों से का संविधान है ये, लेकिन निचोड़ उसमें अच्छा अच्छा क्या था? वो तो सब बाबा साहब ने मेहनत की है ना, और उनकी जो प्रारूप समिति थी। एक बार अगर कुर्सी बन जाए तो कोई कॉपीराइट हो जाता है कि कुर्सी आप ही बनाओगे, मैं नहीं बना सकता कुर्सी, मैं नई स्टाइल की बना सकता हूँ ना, और बेहतर बना सकता हूँ, अच्छी बन सकती है उससे। तो वही बात है कि अगर किसी ने ये बोल दिया कि ना एक इंसान के ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, तो क्या ह्यूमन राइट्स पूरी दुनिया उसके पास कॉपीराइट चला गया क्या? वो ह्यूमन राइट्स और किसी को नहीं मिल सकते क्या? अफर्मेटिव एक्शन जो विदेशों में हमारे यहाँ रिजर्वेशन बोला जाता है उसको, तो अगर उन्होंने कुछ ये अच्छी इम्प्लीमेंट की है तो क्या वो हम अपना इस्तेमाल नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बाबा साहब ने ये बोला था कि ना अगर संविधान का दुरुपयोग हुआ तो सबसे पहला व्यक्ति मैं हूँगा जो उसे जला दूंगा। उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं लोग पता है? तो वो क्या बोलते थे कि बाबा साहब ने बोला है कि मैं पहला व्यक्ति हूँगा, अगर मुझे मौका मिला तो मैं पहला व्यक्ति हूँ जो संविधान को जला देगा। मतलब बात को घुमा दिया हमने। हाँ, बात उन्होंने कुछ और बोली थी, अगर मिसयूज हुआ तो, मिसयूज हुआ तो, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि बाबा साहब ने तो खुद बोला है मैं संविधान जला दूंगा। नहीं, वो गलत बात है। तो लोग है ना जो ये जो पहले होता ना कि डायन आ गई किसी औरत को गांव में जिसको मरवाना है, तो डायन बना के मार डालते थे, इस तरह से लोगों को बेवकूफ बना के उनका शोषण किया जाए, दुष्प्रचार किया जाए, दुष्प्रचार किया जाए, और अब ये संभव नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखो। बड़ी शक्ति है ये। एक मजे की बात बताऊं मैं, ये इधर जो संविधान रखे ना अंदर, आपको पता है क्यों सेल नहीं हो रहा है? हाँ। ये संविधान हमने डाले ही नहीं अभी तक इंटरनेट पे, सेल कहाँ से होंगे? नहीं, मैं वही मैं सोच रहा यार, ये संविधान इतने सेकंड्स मतलब फटाफट निकल जाते, कुछ दिनों में ना सेल हो रहे हैं, और ये संविधान सेल नहीं हो रहे, क्या चक्कर है? यहाँ वाले तो खत्म हो चुके हैं, ये एक है ना डिफेक्टिव पीस है। ये वाला जो संविधान है ना, ये आज हम फ्री देने वाले हैं। आज रात को 9 बजे एक ट्वीट आएगा, उस पर एक लिंक आएगी, और अगर लिंक नहीं भी आती है तो 9 से 10 के बीच में आपको पता है ये संविधान आपको वहाँ पे आएगा, और आपको उसे खरीद लेना है। सिर्फ आपको कुरियर चार्जेस देने पड़ेंगे, वो भी मात्र 40 रुपीज़, 400 रुपये का संविधान है। और ये कल से देखिएगा साइड पे, अभी से देखिएगा, अभी डाल देंगे, अभी से, अभी से। क्या हो गया अंजू भाई, ये कह रहे थे इसको दिखाना जरूरी है क्या? अपन इसको ना दिखाए वीडियो में तो क्यों, क्या हो गया, क्या फायदा हमारे घर में, कल ही स्टार्ट हो जाएगा टेंशन, स्टार्ट हो जाएगी। हां, ये देखो ऑफिस में आ गया है, और घर में हमारी आज परिनिर्माण करने वाली है। देखो मेरी बात सुनो, जो हमारा काम करने का स्थल होता है ना, वो ज्यादा आरामदायक होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए कि इंसान फिर घर पे नहीं बैठता, वो अपने ऑफिस में बैठता है। मेरी किचन थोड़ी सी छोटी है, तो मैंने कहा रखेंगे कहाँ, और फ्रिज वाला आइडिया दे दिया आपने। तो देखो यार, ये एक ऐसी चीज है, जैसे ना मैं बोलता हूँ कि जो ऑफिस है वो आरामदायक होगा तो इंसान वहीं जाएगा, अपने घर से निकलेगा। जैसे मेरा नीचे वाला कमरा है ना, मैंने गलती से उसमें एसी लगवा दिया, वो एसी मुझे लगवाना था ऊपर वाले कमरे में, ताकि मैं कम सोऊं और ऊपर जाके ज्यादा काम करूं। लेकिन वो बच्चों को देखते हुए मैंने लगवा दिया, चलो रहम आ गया मेरे को। अरे मैं बैठूंगा आगे, कोई नहीं बैठेगा। और क्या, स्पीड ब्रेक, वो क्या बोलते हैं, हैंड ब्रेक खींच के रखूंगा। आज मैं जो काम करके आया हूँ ना ऑफिस में, उससे सबके घर में लड़ाई होने वाली है। अपने यहाँ तो कहीं नहीं, तू तो सालों से कर रही है। अपने घर में नहीं हुई, नहीं ना, नहीं हुई। धीरे धीरे बच्चे चलाने को, और हाथ छोड़ गाड़ी, धीरे 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 धीरे, हॉर्न मार, हॉर्न मार। एक मस्ती खोर तो सो गई है, और दूसरा मस्ती खोर देखो लगा हुआ है, मानेगा नहीं। हरन अब रख दो बेटा, चल आई। पनीर बनाया है मैंने। ये पनीर तूने अकेले ने बनाया है? हाँ, मैंने अकेले ने बनाया है। अच्छा, हाँ। इसमें मसाला कहाँ से डाला? एवरेस्ट का। नमक टाटा का डाला? हाँ। है, हजारों लोगों ने मिलके ये पनीर बनाया, बोल रही है मैंने अकेले ने बनाया है।
इतना जुड़ने दो लगा चमचा तो मैंने घुमाया ना कढ़ाई में। तो ध्यान रखना, कोई कुछ भी बोल ले उसकी बात नहीं मानना है, आपको खुद पढ़ना है, खुद जानना है, उसके बाद डिसाइड करना है, क्योंकि लोग तो यहाँ पर हैं ही बाबा साहब को डिफेम करने के लिए, और वो नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं, और क्योंकि सब पढ़े लिखे लोग हैं और वो लोग नहीं चाहते बाबा साहब का नाम जो है वो आगे तक उठे, और इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ यार। समझ गया ना मैं जो बोलना चाह रहा था आपको। कल मिलते हैं, बाय, कीप सपोर्टिंग। ओए की सपोर्टिंग बोल दे, ओए ए इधर देख के बोल दे रे की सपोर्टिंग। पूरा हिला देता है। बाय 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 बाय। हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि हमारे देश का संविधान भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा, पर मैं कहता हूं कि नहीं लिखा। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?